हेलो गाइस, आज की शुरुआत देखो बारिश के साथ हो रही है। सुन मैं जी तुम्हारे नाम भी लिया, आपने देखा भी होगा, अभी दिखा दूंगा साइड में, देखो ये देखो नया आदि जी लिया, आदि जी तगड़ी बारिश चल रही है। बारिश देखो चारों तरफ, क्या मस्त मौसम हो गया एकदम, ये देखो शानदार बारिश चल रही है। सूखा हुआ है, सावन में तो आई नहीं, बादों में आ रही है अब। आची ना, हाँ अभी उस झंडे के नीचे देखो, आप देख रहे हो यहाँ से ये पानी गिर रहा है, इस झरने के नीचे सीना नहा के आया है। अभी मजा आया है नहीं आया ये बता तो तुम्हें को है? मजा आ गया तो बस ठंडा पानी हो रहा है। मैं 2 मिनट के लिए गया हूँ, लेकिन मैं तो छाता लेके ही जा रहा हूँ, जापी भी जा रहा हूँ अभी, लेकिन तो नहीं सॉरी यार, मजा आ गया। और तारे देखो क्या मस्त धुल गई है एकदम, चकाचक हो गई, मजा आ गया गाड़ी को देख के। ये देखो गाइस क्या मस्त मौसम हो रहा है, चारों तरफ बारिश ही बारिश। बहुत दिनों से उमस हो रही थी यार गाइस, हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि कब बारिश आएगी और कब अच्छा सा मौसम बनेगा, और आज मौसम बना है, देखो मजा आ गया। पापा हर बार वो तो इससे भी तेज आती है, हाँ। लेकिन मैं भूल जाता हूँ नहाने का, हाँ। अब आई आज याद है, आज तो मैं नहीं लिया है आज तो मौका छोड़ा ही नहीं इसने। चलो गाइस अब चलते हैं, आज सीधा अब शोरूम में जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बारिश आ गई, मौसम बहुत तगड़ा हो गया है, तो देखते शोरूम में काम निपटाते हैं, आज काफी सारे काम है। तो गाइस फाइनली हमारी नंबर प्लेट आ चुकी है, अभी इसको खोल के आपको दिखाते हैं कैसी आई है। अंजनी कोरियर से आई है फिलहाल, ये कल के वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से हमने इसे ऑर्डर बुक करा था और ये हमारे पास आने वाली थी और आज ये आ गई है। तो चलिए कटर ढूंढते हैं, ये रहा कटर, कटर मिल गया, अब इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी नई नंबर प्लेट कैसी आई है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं, मैं इस नंबर प्लेट को ओपन करने जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसी लग रही है, आपके सामने ही खोलने वाला हूँ कि कुछ अलग आया है, चेंज आया है या वही आई है सेम जैसी हमने चाहते थे। ये देखिए घर पे ही डिलीवर हुआ है जी, ये देखिए, अरे वाह जी गाइस, एग्जैक्ट वही नंबर प्लेट जो होनी चाहिए वही आई है। और देखते हैं साथ में हमें इसमें और भी कुछ मिला है, तो एक बार पूरी खोल के देखा, बबल रैप में आई है गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसको फोड़ने में किस किस को मजा आता है कमेंट करके बताना, इसका तो एक अलग ही ट्रेंड है काफ़ी। चलिए इसको निकालते हैं बाहर एक बार, इधर से खुलेगी, ये देखिए। तो गाइस ये हमें कुछ जो गाड़ी के ऊपर लगते हैं ना स्टिकर्स, देखिए गाइस जो गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगते हैं वो भी हमें मिल गए हैं ये, और एक ये वार्निंग वाला भी आपको स्टिकर मिला है, जिसके भी आप चाहें तो गाड़ी के ऊपर लगा सकते हैं, इसे एक बार नीचे रखते हैं। और हमें इसके अंदर क्या मिला है, और गाइज एक ये रिवेट भी मिला है जिसके साथ आप इसको गाड़ी के ऊपर फिट करवा सकते हैं नंबर प्लेट को, ये एक रिवेट मिला है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हर एक नंबर प्लेट के ऊपर आपका एक अलग सीरियल नंबर होता है गाइज। तो गाइज कैसी लग रही है ये नंबर प्लेट बता देना। जी हाँ आज ही कोशिश करूंगा इसको, आज ही गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट को फिक्स करा चुकूँ, क्योंकि बड़ा एक्साइटमेंट है, मुझे कहीं बाहर जाना भी है, तो शायद हो सकता है मैं इस गाड़ी को लेके जाऊंगा, तो ये गाड़ी की अगर नंबर प्लेट होगी तो ईजी रहेगा मेरे लिए जाना, और बहुत ही हल्की फुल्की होती है, देख सकते हैं इसके ऊपर पीछे हमारा एड्रेस भी लिखा हुआ है काकरोली का। ये देखिए ये आ चुकी है नंबर प्लेट, अब चलते हैं देखते हैं गाड़ी के ऊपर कैसी लगती है, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, बाकी अभी थोड़ी देर बाद मैं बाजार जाऊँगा और इसको फिट करवा के आऊँगा। तो गाइस रेडी है, नंबर प्लेट लगवा लेते हैं, चलो चलते हैं गाड़ी निकालते हैं। ये देखो आपके सामने पीछे खड़ी है गाड़ी, बस मैं ये गेट खोल के गाड़ी बाहर निकालता हूँ और सीधा चलते हैं ये वाली नंबर प्लेट लगवाने। मैं वहीं चलूँगा जहाँ पे मैंने आपको, याद हो तो अगर आपने रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, जो हमने स्कूटर का जहाँ पे नंबर प्लेट लगवाई थी ना जिन भैया से, उन्हीं के पास चलते हैं, उनके पास सब चीज़ें हैं, वो इजीली लगा भी लेंगे आराम से और वाजिब प्राइस भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंसिव भी नहीं लेते। तो चलो वहीं चलते हैं, पहले एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं। देखो गाड़ी एकदम धुल गई मस्त एकदम, क्योंकि आज बारिश हुई थी ना सुबह, आपने देखा था। चलो चलते हैं अब सीधा अंदर, देखो साहब हमारी किया कारंस क्या मस्त चमकती हुई गाड़ी, बहुत ही प्यारी लगती है मेरे को तो गाइस ये गाड़ी। गाइस गर्मी हो रही है भयंकर, अंदर गाड़ी में तो गर्मी लग रही थी, मुझे लगा आज बारिश हुई है, तो सबसे पहले तो एसी चालू करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा माहौल अच्छा से अच्छा अंदर अच्छा हो सके, भयंकर गर्मी हो रही है। गाड़ी एक्चुअली अंदर से तो गर्म है, बाहर मौसम नॉर्मल हो चुका है, लेकिन गाड़ी अंदर से बहुत गर्म हो गई। चलो तो अब
सीधा डालते हैं ड्राइव मोड पे और चलते हैं हमारी नई वाली नंबर प्लेट फिट करवाने। तो ड्राइव मोड डाल दिया है तो चलो गाड़ी बाहर निकाली जाए। ओहो अपडेट आया है, नोटिस आया है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का, गया भैया। चलो गाइस चलते हैं, अब सीधा गाड़ी को बाहर निकालते हैं। गाइस वैसे ये नंबर प्लेट पहले ये सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी यार, इतने परेशान करती है गाड़ी। वैसे गाइस अलग ही मज़ा है ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का, तो इतना इजी कंफर्ट रहता है ना गाड़ी चलाने में, कोई गियर का झंझट नहीं, कुछ नहीं, आप आराम से बस पैडल पे पैर रखा और जैसे चाहे वैसे चलो, आराम से स्लो चलना है तेज चलना है, गाड़ी ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट करती है, इतना कंफर्ट लगता है मेरे को तो ये जो गाड़ी मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी जब से ली है ना। अब वैगनार चलाता हूँ तो बड़ा ऑड लगता है कभी कभी जब उसमें गियर्स चलाने में गियर्स हैंडल करने पड़ते हैं, तो बाहर जब ये चलाता हूँ तो एक अगला की लग्जरी। जिनके पास भी ऑटोमेटिक गाड़ी हो प्लीज़ कमेंट कर देना और अपना एक्सपीरियंस भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना कि आपको ऑटोमेटिक गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर गियर वाली गाड़ी ज़्यादा बेटर लगी है, कमेंट कर देना। क्योंकि एक समय था जब मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक टाइम था ऐसा था जब मुझे बिल्कुल भी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ पसंद नहीं थी। पता नहीं क्यों मैं ये मानता था कि भाई मुझे गियर वाली गाड़ी ही होनी चाहिए क्योंकि उसमें पूरा कंट्रोल आपके पास होता है और आप इजीली उन गाड़ियों को अपने हिसाब से चला सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है जब से मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी ली है, स्पेशली पापा के लिए ली थी कि पापा बहुत कंफर्टेबल रहें गाड़ी चलाने में, क्योंकि उन्हें खुद को बहुत पसंद है यार, आज लगभग 30-40 साल से मेरे पापा जी गाड़ी चला रहे हैं तो उन्हें खुद को बहुत पसंद है गाड़ी चलाना, तो बस मैं इसलिए उनके हिसाब से लिया था। लेकिन अब जब से हम चला रहे हैं ना, जैसे मैं भी चला रहा हूँ, तो मुझे लगता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी के चलाने में जो कम्फर्ट मिलता है ना वो आपको कभी भी गियर वाली गाड़ी चलाने में उतना कम्फर्ट नहीं मिलता। और मुझे अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं आया, हम लोग पहाड़ों पर जा चुके हैं, पानी में आपने रिसेंटली देखा है, मतलब फुल स्लश के अंदर हमने ये गाड़ी चला दी है, मतलब भयंकर फ्लड था पानी का पूरा जयपुर में, उसमें गाड़ी चलाई है, कहीं पे भी मुझे इस गाड़ी में कोई इशू ऐसा देखने को फेस नहीं। चलो गाइस जगह आ गई है, अब एक बार भैया से बात करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसे ये गाड़ी में ये नंबर प्लेट फिट करते हैं वो। तो गाइस भैया से बात हो गई है, ये इनकी शॉप है, देखो वो रेडी कर रहे हैं और 40 रुपये में बात हुई है। जी हाँ, गाड़ी में रिविट लगाने का पैसा इन्होंने 40 रुपये लिया है। तो चलो देखते हैं भैया किस तरीके से ये गाड़ी में फिट कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। अगर पहले तो ये बोर्ड लगा रखे थे क्या सारे, कितनी देर लगेगी भैया? गाइस देख लो लग गया है अच्छे से, एकदम प्रॉपर फिनिशिंग से लग गई है गाड़ी पे। गाइस 5 मिनट में ऐसा जाम लगा है कि हाथों हाथ मुझे गाड़ी लेके निकलना पड़ रहा है, तगड़ा जाम लग गया था गाइस, लेकिन मज़ा आ गया, फटाफट से गाड़ी में फिट भी हो गई है और बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी। अब लग रहा है कि हाँ प्रॉपर गाड़ी वापस से रेडी। एक्चुअली मेरे साथ क्या है कि गाड़ी जब तक रेडी नहीं होती ना मज़ा नहीं आता। हमेशा पापा ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि आपकी चाहे गाड़ी काम आए ना आए, चले ना चले, लेकिन गाड़ी हमेशा अप टू डेट होनी चाहिए ताकि कभी भी आपको इमरजेंसी में कहीं भी निकलना पड़ जाए तो एटलीस्ट गाड़ी रेडी हो। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा गाड़ी हमेशा रेडी और अप टू डेट होनी चाहिए, सारे पेपर्स वगैरह। जी हाँ, अगर पेपर से याद आया, अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है ना 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाला, तो देख लो, वो 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी हर जगह चेक होते हैं। अगर वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं तो 90% केसेस में तो आपको कोई भी चालान नहीं भरना पड़ सकता। तो और आपकी एक और ये नंबर प्लेट वाला, तो मैंने आपको बताया ये नंबर प्लेट आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, तो नंबर प्लेट भी आप ओरिजिनल HSRP वाली ही लगवाइए, गवर्नमेंट मान्यता वाली, तभी आपको गाड़ी का नंबर प्लेट माना जाएगा। नहीं तो आप कोई भी लोकल नंबर प्लेट जो पहले आप प्रिंट करके लगवा लेते थे, जैसे मैंने लगवा रखी थी अभी फ़िलहाल टेम्प्रेरी मोड पे, तो आपको रोक लिया जाएगा और उसका भी स्पेशल चालान है। तो फिर से मैं आपसे कहूँगा स्पेशली ध्यान रखिएगा,
तो चलिए आप चलते हैं सीधा एक बार घर की तरफ। ये गलियां देखो, गाड़ी निकालनी मुश्किल हो रही है आज। आगे का रोड ब्लॉक था तो मैंने गलती से साइड वाली गली में मोड़ लिया। मैंने सोचा थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन कंडीशन खराब लग रही है यार। गाड़ियां इतनी खड़ी है इस गली में कि पूरी रोड ब्लॉक है। मतलब इतनी सी जगह है कि भाई एक गाड़ी निकल सके इसमें से, और उसके बाद भी इसमें इस तरीके से गलियां हैं कि अगर साइड से कोई आ गया तो सीधा एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। मतलब इतनी पतली पतली गलियों में घुस गया हूँ मैं एकदम से। चलो कोई नहीं, आराम से अब यहाँ से निकल तो रहे, लेकिन एकदम से मैं तो देख के रंग दंग रह गया कि इतना ज्यादा। और ये हमारे पंडित जी यहाँ मिल गए आज हमें। ये हमारे पीछे जो मंदिर है जी, हाँ गाइस, हमारे घर के जो पीछे की तरफ मंदिर है, जहाँ पे अगर आपने देखा हो तो हमारी इन गाड़ियों की जो जब गाड़ी ली थी तब उसकी पूजा हुई थी, तो वो यही पंडित जी थे। देखो आए गली में, ये एक नया घर का, मतलब घर तो पुराना ही है, इसका रेनोवेशन चल रहा है। एक साल हो गया है गाइस इस घर का रेनोवेशन होते हुए। और बस मैं तो उम्मीद करता हूँ, मैंने भैया को भी बोला फटाफट से करो यार, भैया बहुत टाइम हो गया इसको देखते हुए। अब तो पूरा लगभग बाहर का पूरा रेनोवेशन कर रहे हैं, पूरा घर का बाहर का एक्सटीरियर तोड़ा है और फिर से नया बन रहा है। तो गाइस चलो, घर आ गया है, देख सकते हैं ये है सामने, और कितनी ग्रीनरी हो रही है घर के चारों तरफ। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार ग्रीनरी हो रही है। यहाँ सामने ग्राउंड था, मतलब पूरा खाली प्लॉट है जिसके ऊपर बच्चे आराम से खेला करते थे, लेकिन आज बारिश के बाद तो इतनी कंडीशन हो चुकी है, पूरा घास ही घास हो गई है। तो इसको एक बार बारिश ख़त्म हो जाएगी फिर साफ़ करवाएंगे इसको। और ये आ गई घर की पार्किंग, तो गाड़ी वापस पार्किंग में लगाने का समय आ चुका है। क्योंकि गाइस ये गाड़ी हमारे कहीं बाहर जाते हैं सिर्फ तभी काम में लेते हैं, बाकी तो इतनी ज़्यादा काम आती नहीं, क्योंकि वैगनार है मेरे पास सिटी पर्पज़ के लिए, तो वैगनार ही काम आ जाती है। तो चलो एक बार गाड़ी का गेट खोल देते हैं और गाड़ी को अंदर रखता हूँ। गाइस घर आ गए, ये गाड़ी लगा दी है। अब देखो आप आराम से, कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से उन्होंने नंबर प्लेट लगाई है और एकदम सुंदर सी लग रही है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नई नंबर प्लेट हमारी लग चुकी है, मैंने कहा था अपडेट फटाफट से, जैसे ही कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था कि नई नंबर प्लेट के लिए, मैंने आपको फ़ोन भी दिखाया था कि किस तरीके से नंबर प्लेट मैंने बुक करी है, और आज मेरे पास आ गई है विद इन वन डे। जी हाँ गाइस, विद इन वन डे मेरे पास मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट आ गई है। और अगर आपको लगता है कोई और तरीका है कमेंट ज़रूर कर देना। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।